बिहार पंचायत चुनाव का ऐलान अगले पखवारे तक। आयोग ने दिया टास्क, बिहार में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन प्राधिकारियों को पंचायत चुनाव की तैयारी के दौरान कोरोना से बचाव से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। फिलहाल बिहार में 10 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव होना है, लेकिन इसका अपडेट पल पल बदल रहा है, पल पल नए नए अपडेट आ रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों का सवाल है कि अगर कोई बीमारी है तो टीकाकरण का भी उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या प्रत्याशी को? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपका सवाल निर्वाचन पदाधिकारी के सामने रखा था, तो उन्होंने बताया कि अगर कोई मेडिकल कारण बताया जाता है तो टीका लेने से छूट दिया जा सकता है। एक सवाल और दर्शकों का है, बहुत सारे दर्शकों का है कि क्या फिर से मतदाता सूची में संशोधन होगा, नाम जोड़ा जा सकता है? तो दोस्तों, इस संबंध में अभी तक कोई चिट्ठी जिला में नहीं आई है और न जिला से प्रखंड में आई है। जैसे ही कोई चिट्ठी, हम मैंने बीएलओ से संपर्क किया है, बीएलओ के संपर्क में हूं, जैसे ही कोई चिट्ठी आती है तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, जब मैं बाहर रहता हूं तो बिना फेस कैम का वीडियो बना देता हूं, लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि सर आप फेस कैम पे ही वीडियो बनाइए, क्योंकि तभी समझ में आता है वीडियो में क्या बताया गया जब आप चेहरा दिखाते हैं। तो मजबूरी में मैं आउटडोर में हूं, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए फेस कैम वीडियो बना दूं, क्योंकि यह जानकारी अभी तुरंत आई है, तुरंत मेरे डिवाइस पे जानकारी आई है, तो मुझे लगा कि यह जानना जरूरी है, इसलिए जो भी सुविधा उपलब्ध थी उसी सुविधा में मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। तो चलते हैं, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव की तैयारी के दौरान कोरोना से बचाव से संबंधित सरकार के दिशा निर्देशों से सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही तैयारियों को तेज करते हुए अगले पखवारे में यानी 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव का ऐलान करने की कवायदत शुरू कर दी है। इसी के साथ आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को 5 जुलाई तक 10 चरणों को ध्यान में रखते हुए प्रखंडवार पंचायत चुनाव का प्लान भी भेजने का टास्क दिया है। आयोग ने कहा है कि जिला से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही फाइनल प्लान तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिलहाल बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। और दूसरा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है वह यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनाव कर्मियों के लिए कोरोना का टीका बहुत जरूरी है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले कर्मियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगवाना सुनिश्चित कराएं। साथ ही चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले कर्मियों का समय समय पर कोरोना जांच कराने की व्यवस्था भी करें। इसी तरह मतदाताओं को भी टीकाकरण में तेजी लाने की बात कही जा रही है। आयोग के अनुसार पंचायत में 1.25 करोड़ मतदाता है, 1.25 करोड़ मतदाता है आयोग के अनुसार, और सभी मतदाताओं को टीका लगवाने की कवायदत शुरू की जा चुकी है। आगे चलते हैं दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायतों के साथ ग्राम कचहरियों के चुनाव में प्रत्याशियों को 7 दिन का समय पर्चा भरने के लिए मिलेगा। आप ध्यान कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर कि त्रिस्तरीय पंचायतों के साथ ग्राम कचहरियों के भी जो उम्मीदवार हैं उनको पर्चा भरने का समय 7 दिन के लिए मिलेगा। वहीं 3 दिन स्क्रूटनी और 2 दिन का समय नाम वापसी के लिए होगा, जबकि 11 से 12 दिन का समय
प्रचार के लिए प्रत्याशियों को मिलेगा। मतलब 11 से 12 दिन में प्रत्याशी अपना प्रचार अभियान समाप्त कर लेंगे। जल्दी जल्दी प्रचार कैसे करें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कम समय में प्रभावी प्रचार कैसे हो। और ऐसे जो भी दर्शक अभी चैनल को देख रहे होंगे उनसे गुजारिश करूंगा कि आपका मेमोरी में कुछ धुल गया होगा तो जो मेरा जीत आपकी सीरीज है, जो चुनाव जीतने का जो मंत्र दिया गया है उसको जरूर देख लेंगे। खास करके प्रत्याशी और प्रत्याशियों के समर्थकों से मेरा गुजारिश रहेगा उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि आप सही तरीके से चुनाव प्रचार कर सके और आप चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आगे चलते हैं। मतदान के तीसरे दिन मतगणना होगी। बता दें कि बिहार में कोरोना के मामले बढ़ने पर पंचायत चुनाव की संभावना कम हो गई थी, मगर फिर से राज्य में संक्रमण के मामले कम होने पर पंचायत चुनाव की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही चुनाव का ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों, यह अभी अभी राज्य निर्वाचन आयोग से जो बात निकल कर आई थी, मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, और मैं घर से बाहर हूं, अपने जगह से बाहर हूं, इसलिए जहां हमको समय मिला, जहां सुविधा मिली, वहीं से मैं वीडियो डाल रहा हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। किसी तरह की असुविधा हो के लिए खेद है। तो बने रहिएगा ठोक तंत्र के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।